100% सक्सेसफुल। और जैसे बटन दबा, बटन दबने के इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी, और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, जेब से मास्क निकाले एंड सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया, कम्प्लीटली सेफ। एक एटीएस की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है, जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिरा दिया गया। नोएडा के सेक्टर 93A में इस इमारत को अवैध रूप से बनाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया। पहले ये टावर 21 अगस्त तक गिराए जाने थे, लेकिन अदालत ने नोएडा प्राधिकरण के अनुरोध को स्वीकार कर तारीख 28 अगस्त तक बढ़ा दी। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने के लिए इसमें विस्फोटक लगाए गए थे। 28 अगस्त को ब्लास्ट करके टावर्स को जमींदोज कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता ने एक बटन दबाया, जिसके बाद महज कुछ सेकंड्स में ही ये 40 मंजिला ट्विन टावर्स ढह गए। इमारत को गिराने से पहले चेतन दत्ता ने आज तक से बिल्डिंग गिराने के प्रोसेस को लेकर कहा था, ये एक सरल प्रक्रिया होगी, हम डायनोमो से करंट उत्पन्न करते हैं और फिर बटन दबाते हैं जो सभी शॉक ट्यूब्स में डेटोनेटर को एक्टिवेट करेगा। 9 सेकंड में सभी डेटोनेटर्स एक्टिव हो जाएंगे और पूरी इमारत गिर जाएगी। उन्होंने आगे कहा था, हम इमारत से लगभग 50 से 70 मीटर दूर होंगे, इसमें कोई खतरा नहीं होगा और हमें पूरा यकीन है कि इमारत सही तरीके से ढह जाएगी। ब्लास्टिंग वाला क्षेत्र लोहे की जाली की 4 परतों और कम्बल की 2 परतों से ढका हुआ होगा। इमारत का मलबा तो नहीं उड़ेगा, लेकिन धूल उड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विस्फोट के समय कंपन को कम करने के लिए इम्पैक्ट कुशन डिजाइन किए गए थे। डिमोलिशन के बाद काफी मलबा निकला है, इतना कि ये मलबा साफ करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। सुपरटेक ट्विन टावर्स के गिरने पर बगल वाले एमरल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज सोसाइटी के लगभग 5,000 लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 28 अगस्त की सुबह सबको जल्दी अपने घर खाली करने पड़े और अधिकारियों की मंजूरी के बाद शाम को ही वे वापस अनुमति लेकर लौट पाएंगे। इसके अलावा आसपास की अन्य सोसाइटीज के सभी लोगों को पहले ही मास्क पहनने, चश्मा पहनने और डिमोलिशन के दौरान बाहर जाने से बचने के लिए कहा गया था। सख्त निर्देश दिए गए थे कि इन सोसाइटीज से कोई भी बाहर निकलकर फोटो और वीडियोग्राफी नहीं करेगा। आपात स्थिति में पड़ोस के फेलिक्स हॉस्पिटल में करीब 50 बेड्स ऑलरेडी रिजर्व कर लिए गए थे। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी अभय ने। कैमरा के पीछे है विजय, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जरूरी खबरों के लिए बने रहिए द लंडन टॉक के साथ। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लंडन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लंडन टॉप ऐप।